लोटस आयुर्वेद इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं उत्पल चौधरी। आज हम बात करेंगे आपके पेट की समस्याओं को दूर करने के लिए हमारे ये आयुर्वेदिक उपाय अपनाएं, आप स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आयुर्वेद के अनुसार पेट तमाम बीमारियों की जड़ होता है। अगर पेट का सही देखभाल की जाए तो कई स्वास्थ्य समस्याओं से बचा जा सकता है, लेकिन अनियमित मतलब सही तरह की जीवन शैली ना जीना और सही तरह से खाना टाइम पे ना खाने के कारण पेट से जुड़ी तमाम समस्याएं शुरू होने लगती हैं। मसालेदार और तला हुआ भोजन, जंक फूड और देर रात को खाने की आदत से पाचन तंत्र कमजोर होने लगता है। खराब खान पान के कारण शरीर में टॉक्सिन्स जमा होने लगते हैं जो कई बीमारियों का कारण बनते हैं। आजकल बहुत से लोग पेट में गैस, कब्ज, एसिडिटी, ब्लोटिंग जैसी समस्याओं से परेशान रहते हैं। इनसे निजात पाने के लिए अक्सर दवा का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आप चाहें तो पेट की समस्याओं को दूर करने के लिए आयुर्वेदिक नुस्खे भी आजमा सकते हैं। ये आयुर्वेदिक नुस्खे ना सिर्फ पेट की समस्या को ठीक करेंगे बल्कि उसे स्वस्थ भी करेंगे। कुछ उपाय हैं मैं आपको बता रहा हूं, तो वो आपको करना है। तो सबसे पहला है कब्ज का। पेट में कब्ज की समस्या से बहुत से लोग परेशान रहते हैं। कब्ज होने पर मल त्यागने में दिक्कत होती है, इसकी वजह से पेट ढंग से साफ नहीं हो पाता है। पेट में कब्ज होने पर आप घी और गर्म पानी का आयुर्वेदिक नुस्खा आप ट्राई कर सकते हैं। इसके लिए एक गिलास गर्म पानी में एक चम्मच घी बोलेंगे तो देसी घी और आधा चम्मच नमक मिलाएं। इसे अच्छी तरह से मिक्स करके पी जाएं। घी में ब्यूटीरेट एसिड होता है जो सूजन को कम करना और पाचन में मदद कर सकता है। वहीं नमक आंतों के बैक्टीरिया को हटाने में मदद करता है। हमारा दूसरा उपाय है गैस से जो पेट में गैस हो जाती है उसका। पेट में गैस होना एक सामान्य समस्या है, लेकिन कई बार गैस की समस्या काफ़ी बढ़ जाती है जिसके कारण व्यक्ति को काफ़ी परेशानी होती है। पेट में गैस होने पर आप अजवाइन का सेवन कर सकते हैं। अजवाइन में थाइमोल नामक कंपाउंड पाया जाता है जो गैस की समस्या को दूर करने में मदद करता है। इसके लिए आप आधा चम्मच अजवाइन को अच्छी तरह से पीस लें। आप इसमें थोड़ा सा काला नमक मिलाएं और पानी के साथ इसका सेवन करें। ऐसा करने से आपको गैस की समस्या से राहत मिलेगी। तीसरा प्रॉब्लम लोगों को ज़्यादा होता है वो है एसिडिटी। एसिडिटी की समस्या आजकल भी आम बन गई है, सिर्फ बड़े लोगों को ही नहीं, आजकल बच्चों को भी एसिडिटी की समस्या होने लगती है। एसिडिटी की समस्या से राहत पाने के लिए आप अजवाइन का सेवन कर सकते हैं। अजवाइन पेट में बन रहे एसिड को कम करने में मदद करता है। इसके लिए आधा चम्मच अजवाइन में एक चुटकी नमक मिलाएं, नमक काला नमक। इसके बाद एक गिलास पानी के साथ इसका सेवन करें। नियमित रूप से इसका सेवन करने से आपको एसिडिटी की समस्या में काफ़ी राहत मिलेगी। अगला है ब्लोटिंग। कई लोगों को खाना खाने के बाद पेट फूलने की समस्या होती है। कुछ लोगों को समय पर ही पेट फूला हुआ महसूस हो सकता है। हर पेट में ब्लोटिंग का सीधा संबंध पाचन तंत्र में गड़बड़ी से है। ब्लोटिंग की समस्या से निजात पाने के लिए आप एक चम्मच सौंफ चबाकर खाएं। इसके बाद एक गिलास गर्म पानी भी पिएं। इसे आयुर्वेदिक नुस्खे की मदद से आपको पेट फूलने की समस्या से जल्दी राहत मिल सकती है। हमारा अगला है बदहजमी। कई लोगों को भोजन ठीक से नहीं पच पाता है जिसे बदहजमी या अपच की समस्या कहते हैं। खाना ठीक से ना पचने के कारण भूख भी कम लगती है। बदहजमी होने पर
लोग अक्सर दवाओं का सेवन करते हैं, लेकिन इस समस्या से बार बार दवा का सेवन नुकसानदेह हो सकता है। ऐसे में आप बदहजमी से छुटकारा पाने के लिए अदरक का पानी या चाय का सेवन कर सकते हैं। अदरक में एंटीऑक्सीडेंट भरपूर मात्रा में होते हैं, जो बदहजमी और मतली की समस्या को दूर करते हैं। अदरक का सेवन करने से पाचन में सुधार होता है और पेट में जलन और गैस जैसी समस्याओं से भी छुटकारा मिल सकता है। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आपको पता ही होगा, लेकिन वापस मैं आपको बता रहा हूँ कि सारी बीमारियों का जड़ पेट होता है। अगर पेट आपका अच्छा रहेगा, कोई भी बीमारी आपके नज़दीक फटके भी नहीं। इसलिए आप अपना पेट परफेक्ट रखें और हेल्दी रहें, और आयुर्वेदिक इलाज आप करते रहें, उससे आपको कोई भी नुकसान नहीं होगा, उससे आपको फायदा ही होगा। आप अपना ख्याल रखें, मस्त रहें, खुश रहें और देखते रहें लोटस आयुर्वेदा इंडिया। धन्यवाद।